मंगलवार को बसपा के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही जाटव ने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में तो मत्था टेका ही, वो बाबा साहब और महर्षि वाल्मीकि को भी नमन करना नहीं भूली। बसपा प्रत्याशियों के नामांकन में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंगलवार को बसपा के दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आगरा लोकसभा सीट से हाथी पर सवार पूजा अमरोही जाटव ने पहले गुरुद्वारे में माथा टेका, फिर वे अबूल्ला दरगाह पर सजदा करने के लिए पहुंची। उसके बाद बसपा प्रत्याशी ने बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वे चर्च में भी प्रार्थना करने पहुंच गए। वहां से बसपा प्रत्याशी ने रावली मंदिर में भगवान महादेव का अभिषेक किया। फिर वाल्मीकि वाटिका पर भगवान वाल्मीकि को प्रणाम कर वे सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हुए समर्थकों के हुजूम और पार्टी नेताओं के साथ नामांकन के लिए जिला मुख्यालय पहुंची। बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी जीत का दावा किया। दलित वोट नहीं, सिर्फ दलित वोट ही नहीं, दलित वोट तो है ही, वो बाबा साहब के मिशन के साथ साथ चल रहा है। हर समाज, हर वर्ग, सभी हमारे साथ हैं। नहीं, आपने जैसे कहा बाबा साहब की बात, तो आज हर राजनीतिक नतमस्तक है बाबा साहब के साथ। आप देखो, ये अभी अम्बेडकर जयंती अभी चली रही है और लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाजपा के चाहे विधायक हो चाहे सभा के लोग। हाँ, बाबा साहब को भुनाने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब का सिर्फ भुनाने का काम ना करें उनके नाम का। बाबा साहब की विचारधारा को भी तो माने। एक तरफ ये कहते हैं कि 400 पार होते ही संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब संविधान के रचयिता, ये अपमान नहीं है बाबा साहब का? और दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान और सबसे मजबूत संविधान और सबसे लचीला संविधान इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, वो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, आज उसको बदलने की बात करते हैं? अब दलितों पे अत्याचार हो गए हैं, लोग उनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उनके ऊपर थूका जा रहा है, मूछे नहीं रख सकते, घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, तो ये कैसी विचारधारा है जो अरे वोटों के लिए सिर्फ बाबा साहब को भुनाने का काम ना करें। फतेहपुर सीकरी सीट से बसपा के प्रत्याशी रामनिवास शर्मा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि बसपा का सामाजिक समीकरण इस बार सब पर भारी पड़ेगा। मैं तो जैसे जनता की जहाँ जो जरूरत है, जनता की जो समस्या है, दरवाजे पहुँचूंगा। 5 साल उन्होंने किसी सांसद की शक्ल नहीं देखी, ये सांसद समस्या पूछने को दरवाजे बजाएगा और कई पदों पर रहा, मैं घर ही पूछने जाता हूँ क्या समस्या है। और ये आप जानते हैं कि सो रहे हैं, जग रहे हैं, नहा रहे हैं, बाथरूम में है नहीं नेताजी, ये बंद कर दूंगा। जनता मतलब ये माना जाए कि आप जनता सांसद होगी? हाँ, जनता सांसद होगी, मेरे पूरी 5 विधानसभा सांसद होगी, हर सांसद रामनिवास शर्मा होगा। बसपा के नेता इस दौरान बेहद ही उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा प्रत्याशियों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। यहाँ दीप प्रज्वलित कर भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष और पाठ करके हमारी बहुजन समाज पार्टी के आगरा लोकसभा की सुरक्षित प्रत्याशी आदरणीय बहन पूजा अमरोही जी ने प्रार्थना की और दयावान भगवानी जी से हमने प्रार्थना की है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त हो। बहुजन समाज पार्टी सर्वधर्म सर्व समाज का सम्मान करती है और सबको साथ में चलती है और सब में विश्वास रखती है। कि हमारी प्रत्याशी बहन पूजा अमरोही जी का नामांकन है, हम सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ सीनियर और सभी जिम्मेदार साथी यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सब लोग यहाँ वाल्मीकि वाटिका पर इकट्ठा हैं। यहाँ से चलकर के कलेक्ट्रेट पर
हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि आगरा अंबेडकर नगरी के रूप में विख्यात है। यहां से बसपा के 6-6 विधायक भी रहे हैं और वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा ने सीकरी सीट मात्र 9000 मतों के अंतर से जीती थी और आगरा लोकसभा सीट 9000 मतों के अंतर से हराई थी। लेकिन वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही अंबेडकर नगरी का हाथी न तो लखनऊ पहुंचा है और न ही दिल्ली। पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बसपा के मत प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार पार्टी को भरोसा है कि बहुकोणीय मुकाबले के आसार बने तो पार्टी की उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।